सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन टेक। तो गाइस, आज किसी वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड के बारे में। गाइस, ये जो क्रेडिट कार्ड है आरबीएल बैंक के सुपराइट क्रेडिट कार्ड है। गाइस, इस क्रेडिट कार्ड का जो भी इसका रिव्यू है गाइस, पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। गाइस, इस क्रेडिट कार्ड का जो भी इसके फीचर्स है, जो भी इसकी बेनिफिट्स है, जो भी एडवांटेज है, जो भी डिसएडवांटेज है, और इसकी जो भी एनुअल फी है गाइस, जो भी इसके सेकेंड ईयर का एनुअल फी है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा कि इस क्रेडिट कार्ड यदि आप अप्लाई करते हैं तो क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो गाइस आपको समझ में नहीं आएगा कि इस क्रेडिट कार्ड की क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके हिडन चार्जेज है। तो इस वीडियो को पूरा आप देख लेते तो गाइस आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप इस क्रेडिट कार्ड को इजीली अप्लाई करके इसके जो भी बेनिफिट्स है आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पे हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, मैं आरबीएल बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, यहाँ पे मैंने आ गया हूँ। और गाइस, यहाँ पे आने के बाद देखिए, मैंने गाइस यहाँ पे सर्च किया सुपराइट क्रेडिट कार्ड। गाइस, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुपराइट क्रेडिट कार्ड के जो भी बेनिफिट्स है, जो भी चार्जेज हैं और जो भी यहाँ पे एडवांटेज है, जो भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट एंड ऑफर है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस, चलिए एक एक करके आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 10% का देखिए यहाँ पे ही लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, पहली बात बात करते हैं, देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है आरबीएल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड, ये आपको यहाँ पे देखने को लुक ऐसा देखने को मिल रहा होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको ऑफर मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे 10% डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट, यानी मूवी टिकट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। 5% वैल्यू बैक ऑन योर ग्रोसरी शॉपिंग, यानी कि ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, 2.5% वैल्यू बैक ऑन फ्यूल स्पेंड, यानी कि फ्यूल यदि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूल लेते हैं तो गाइस आपको ऑल ओवर इंडिया आपको 2.5% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है। चलिए, इसके एक एक जो बेनिफिट्स है इसके बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहला जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो पहला जो पॉइंट है गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आरबीएल बैंक सुपराइट क्रेडिट कार्ड मेंबरशिप कम्स एट द एनुअल फी ऑफ 500, यानी कि एनुअल फी आपको 500 रुपये इस क्रेडिट कार्ड को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी जो वेलकम बेनिफिट की बात करते हो गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कार्ड जर्नी स्टार्टिंग विद द 2000 रिवार्ड पॉइंट। आपको यदि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो 2000 का रिवार्ड पॉइंट आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल स्टेप टू गेट योर वेलकम गिफ्ट, देखिए क्या करना है, पे एंड जॉय फी लिमिट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द पेमेंट ड्यू डेट, यानी कि पेमेंट ड्यू डेट जिस दिन होता है उसके बाद यदि आप पे करेंगे तो गाइस यहाँ पे 2000 का रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि मेक ए परचेज विद इन ए 30 डे ऑफ द कार्ड, जिस दिन आपका क्रेडिट कार्ड आपको आता है उसके अंदर में आपको 30 दिन के अंदर में आपको इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप पेमेंट करते हैं तो गाइस 30 दिन के अंदर में पेमेंट करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे 2000 का रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवार्ड पॉइंट, रिवार्ड ऑन ऑल परचेज लिख रहा है, अर्न 1 रिवार्ड पॉइंट फॉर एवरी 100 स्पेंड ऑन ऑल परचेज एक्सेप्ट फील्ड। फील्ड को छोड़कर यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे भी यूज करते हैं तो 1% का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ग्रोसरी स्पेंड की बात करते हो गाइस, यहाँ पे 5% का कैशबैक आपको देखने को मिलने वाला है। 5% कैशबैक में आपको देखने क्या आपको मिलने वाला है, देखिए लिख रहा है अर्न 20 पॉइंट फॉर एवरी 100 स्पेंड व्हेन यू यूज दिस कार्ड फॉर ग्रोसरी आइटम, यानी घर का कुछ भी आप ग्रोसरी आइटम लाते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे 20 रिवार्ड पॉइंट ऑन एवरी 100 पॉइंट में आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स दिया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, ये ग्रोसरी आइटम होगी। अब एंटरटेनमेंट की बात करते तो गाइस यहाँ पे 10% का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बुक माई शो पे यदि 15 टाइम्स इन ईयर ये कोई भी टिकट बुक करते हैं या फिर मूवी टिकट बुक करते हैं तो 10% का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा अप टू 100 रुपीज़, यानी कि 200 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। 2.5% आपको कैशबैक आपको मिलेगा फ्यूल स्पेंड पे, फ्यूल पे भी यदि आप स्पेंड करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है। देखिए, 2.5% का कैशबैक यानी कि अर्न 10 रिवार्ड पॉइंट फॉर एवरी 100 स्पेंड ऑन योर फील्ड बिल, यानी कि फील्ड पे आप एवरी 100 स्पेंड पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 1000 रिवार्ड पॉइंट इन ए मंथ आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये देखिए फ्यूल सरचार्जेज की बात हो गई, ग्रोसरी आइटम की बात हो गई, और यहाँ पे फी एंड चार्जेज की बात कर दो कि यहाँ पे लिख रहा है कि एनुअल फी 500 लिखा है और फिर रिवर्स्ड ऑन स्पेंड ऑफ 1 लाख इन प्रीवियस ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में यदि 1 लाख रुपया स्पेंड करते हैं जो नेक्स्ट ईयर का एनुअल फी है गाइस वो आपको 500 रुपये रखा गया वो आपका वेब अप कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो 500 फी है गाइस यदि 1 लाख रुपया स्पेंड करते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपका जो सेकेंड ईयर का फी है गाइस उसे वेब अप कर दिया जाएगा। ठीक है,
गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया एक और पॉइंट की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए लिखा है कैलकुलेट योर सेविंग, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हैं तो गाइस यहाँ पे कितना आप सेविंग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको ये यहाँ पे कितनी सेविंग मिलने वाली। तो गाइस देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1500 रुपये मैंने डाला है, सॉरी यहाँ पे 15,000 जैसे मैंने डाला, तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो एनुअल स्पेंड है, मैंने एनुअल स्पेंड पर मैंने इतना 1,80,000 रुपये खर्च किया, और यहाँ पे देखिए मैंने ये फ्यूल पर खर्च किया, ग्रोसरी पर खर्च किया, परचेज, मैंने यानी कि जितना भी टोटल मिला के 1,80,000 रुपये स्पेंड किया। और यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल बेनिफिट है गाइस यहाँ पे 6,525 रुपये आपको यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो 1,80,000 में 6,000 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा यदि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया एनुअल रिवार्ड पॉइंट में 900, एनुअल बेनिफिट वर्थ 2,000, ये 10,000, 3,600, ये सब पूरा जोड़ जाड़ कर आपको यहाँ पे 6,525 रुपये का ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है, यदि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 1500 है तो यहाँ पे 15,000 मैंने डाला था, यहाँ पे चलो मैं 10,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने 10,000 स्पेंड किया, मैंने यहाँ पे 10,000 डाला, यानी कि मंथली मैं 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड पे खर्च करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो एनुअल स्पेंड क्या होगा, 12 महीने में 12,000, सॉरी 1,20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये यदि मैं साल भर में स्पेंड करता हूँ इस क्रेडिट कार्ड में, तो आपका 5,250 रुपये के आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, जो कि आप 5,000 रुपये अर्ली मतलब आप यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके सेविंग कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो गाइस इस तरह से आप अपना जो भी सेविंग गाइस आप अपने पैसों का सेविंग यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कर सकते हैं। और गाइस आप हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड का जो भी ओवरव्यू है, जो भी उसकी फ्यूल चार्जेज होता है, जो भी इसकी बेनिफिट्स होता है, जो भी हिडन चार्ज होता है, जो भी बेनिफिट्स होती है, ये पूरा क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड जैसे पेटीएम, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना कर रखा है। तो गाइस उन सब क्रेडिट कार्ड को भी आप देख सकते हैं, और यदि उसमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आता है, आपके हिसाब से जो भी अच्छा लगता है, आपके अपनी जर्नी के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका स्पेंड लिमिट है, जो भी आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि एक बिगिनर्स लेवल का कोई बंदा है तो उसके लिए कौन सी क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स होगा, उस पर एक मैं पार्टिकुलर और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि यदि आप कोई आपका नेट इनकम नहीं है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी यदि आप हमें कमेंट करके पूछते हैं। तो गाइज आई होप कि देखिए मैंने पूरा डिटेल में इस क्रेडिट कार्ड जो शॉपराइट क्रेडिट कार्ड आरबीएल बैंक की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने कवर कर दिया है। इसके जो भी चार्जेज है, जो भी इसकी बेनिफिट्स है, जो भी इसका वेलकम बेनिफिट्स हो गया, ग्रोसरी स्पेंड, रिवार्ड पॉइंट, एंटरटेनमेंट, फ्यूल बिल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप कि मैंने जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बता दिया है, आई होप कि समझ में आएगा, फिर भी कुछ छूट जाता है या फिर नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में कैसे कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कैसे कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।